हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। आई होप एवरीवन इज पढ़ाई कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। एंड आई होप कोई भी बच्चा, अगर किसी का डाउट है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट किया बेटा। 200 से 250 वीडियोस होंगे। ऐसे बहुत बच्चे पूछ रहे सर कितने वीडियोस होंगे बेटा। 11 से लेकर 12 तक पूरी खत्म करनी है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, हेट्रोलाइसिस एंड होमोलाइसिस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऑर्गेनिक को लास्ट तक अंत तक शांत तरीके से पढ़ो, देखो, समझो, पूरा क्लियर करो, तब सिलेक्शन के लिए अच्छा होगा। कार्बोकैटायंस, कार्बोनाइंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो समय ना वेस्ट करने के बाद हम लोग पूरा का पूरा अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। चलो अभी होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या है, ये अर्थ क्या है, थोड़ा होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस को पकड़ते हैं बेटा। ये होमोलाइसिस का मतलब क्या है, होमो मीन्स सेम, ये सबको पता है। होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होती है। एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है, इट्स डिफरेंट, इट इज डिफरेंट, ठीक है। तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब, हेटेरो का मतलब आपका हो जाता है डिफरेंट। अच्छा अभी लाइसिस, ये लाइसिस वर्ड पूरा पूरा क्लियर करें, ठीक है। ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन, या किसी किसी बुक्स में आपको एक और वर्ड भी दिखाई देगा, क्लीवेज, ठीक है। इज नथिंग बट क्लीवेज। तो होता क्या है बेटा, अगर आप कुछ भी पकड़ो या कैसे भी चीजों को देखो, ब्रेक डाउन या क्लीवेज सब आप वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब आप किसी भी एक बॉन्ड को काटने वाले हो, किसी भी एक बॉन्ड को काटने वाले हो, वैसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसिस। जैसे सोल्वोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर आप तोड़े, तो उसी के हिसाब से हम लोग होमोलाइसिस का मतलब है अगर इक्वल टूटा है, हेटेरोलाइसिस का मतलब है अगर अनइक्वल टूटा है। तो प्रैक्टिकली हम लोग पकड़ते हैं बच्चों कि होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। होमोलाइसिस का अर्थ क्या होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लिया बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या है बेटा, हेटेरोलाइसिस का मतलब होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा क्लियर है बेटा, पूरा क्लियर है। तो ये होती है आपकी होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस का अर्थ क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेटेरोलाइसिस का अर्थ क्या हुआ, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन अभी डिटेल से करूं, तो उसको क्या होता है थोड़ा देखते हैं बच्चों। जैसे ध्यान में अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास कार्बन एच 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 और एफ है। आप सबको पता है बेटा कि ये कार्बन एंड फ्लोरीन जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन एंड फ्लोरीन में जो बॉन्ड है, इसमें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे बेटा, इसलिए पढ़ रहे क्योंकि रिएक्शन जब हम लोग जानेंगे ना, वहां पर मैकेनिज्म्स के पूरा का पूरा अध्याय यहां पर खुल जाएगा आपको, पूरा पक्का से आपको यही जानना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या पूरा क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इस बॉन्ड में जो क्लीवेज होंगे, अगर एक क्लीव कर दो, तो ज्यादा जो नेगेटिव एलिमेंट है उसके माथे के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मतलब इस कार्बन एंड फ्लोरीन में अगर कैसे भी करके दूसरा कोई बाहर से अगर कोई अटैकिंग स्पीसीज आए, अगर इस सिस्टम में कोई एक अटैकिंग स्पीसीज, एक रिएजेंट आए, सर ये रिएजेंट कौन है, ये रिएजेंट कुछ भी हो सकता है जो कि भविष्य में हमको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स, ये सब चीज हमको पता चलेगा। जो रिएजेंट इसको आके अटैक करेगा, अगर गलती से इस पॉइंट को हम लोग तोड़ने के लिए कोशिश करें, तो ये ध्यान में रखा जाए कि देयर विल बी एन अनइक्वल स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर स्प्लिट जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, सेम सिस्टम पे नहीं होने वाले, एकदम बच्चा याद रखे, अनइक्वल होने वाला है, सेम स्प्लिटिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कार्बन आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरा क्लियर है बेटा। इसके कारण थोड़ी देर बाद यहां पर एक माइनस चार्ज क्लियर आ जाएगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे स्प्लिटिंग को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलाइसिस,
हेटेरोलाइसिस। क्या ये पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ बेटा, दिस इज नथिंग बट योर हेटेरोलाइसिस। अच्छा, अगर मैं इसी, आई होप एवरीवन इसके लिए, तो हेटेरोलाइसिस किसके लिए होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो ये पक्का पक्का है बेटा कि हेटेरोलाइसिस ही होगा, ये पक्का है। कैसे भी करके आपको हेटेरोलाइसिस ही मेंटेन करना है। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज्यादा है फिर भी होमोलाइसिस चल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, नॉर्मली तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर, तो नोट डाउन कर लीजिए हेटेरोलाइसिस। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का एक एग्जांपल हम लोगों ने पकड़ ली, तो नोट कर लो बेटा, नोट्स जिंदगी में बार बार बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो बताना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ ही पढ़ते जाओ आराम से, सिलेक्शन के लिए भी आगे बढ़ते जाओ, कभी भी जिंदगी में कैसे भी हो गया। चलो, अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। हेटेरोलाइसिस के एक और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कार्बन ले ली, एच ले ली, इधर भी एच ले ली बेटा, और इसमें लिथियम कनेक्टेड। तो ऐसे लिथियम अगर कनेक्टेड हो, हम सबको पता है बेटा कि लिथियम क्या है बेटा, कुछ और नहीं एक मेटल है। तो अगर ये मेटल है, अगर ये भाई साहब आपके मेटल है, सो दिस इज अ मेटल, ठीक है, ये आपकी एक मेटल हो गई। अगर ये मेटल है बेटा, तो मेटल नॉर्मली क्या चार्ज लेता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार टूटने का पैटर्न क्या होगा? अलग होगा। इसमें इस बार टूटने के बाद आपको जो सिस्टम दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा कि सी एच एच, इधर भी एच, इधर लिथियम, ये पॉजिटिव चार्ज लेगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर इस बार नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बच्चा बताओ, क्या ये सेम इक्वल स्प्लिटिंग हुआ है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल क्या था, मैं फिर से रिवाइज करके दिखाता हूं बेटा। पहला वाला एग्जाम्पल क्या था? बहुत ही सिंपल सा चीज। यहां देखिए, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाले इंटरमीडिएट को जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बताएंगे बच्चों? कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, हम लोग आज से इसको क्या डिजाइनेट करेंगे बेटा? कार्बोकेटायन। बहुत सिंपल से पकड़ो, एकदम हैवी पकड़ो ही मत, सिंपल से लेते जाओ, आपको क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप यहां पर प्रैक्टिस करोगे, आपको यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिला, मतलब इट इज नथिंग बट अ कार्बो एनायन, दिस इज अ कार्बो एनायन। सर, कार्बोनायन और कार्बोकेटायन में डिफरेंस क्या है? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, एक के ऊपर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ चुकी है, उसमें फॉर्मल चार्ज आपकी पॉजिटिव आ चुकी है, बस। और कल हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया था। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द वीडियो, गॉन थ्रू द वीडियो, इफ यू हैव नॉट गॉन प्लीज गो थ्रू, बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल, जो कि एक होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज को अभी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ने वाले हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो अगर आप पक्का देखो, होमोलाइसिस में क्या बताया था मैंने बच्चों, बताओ क्या बताया था बेटा, क्या बताया था बोलो। देखो, हम लोग एग्जाम्पल, मैंने कल ही आपको डेमो दे दी थी कि एग्जाम्पल तो जबरदस्त करने वाले, लेकिन आज की है थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होमोलाइटिक ये जो वर्ड आता है, मतलब इक्वल स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स में इक्वल स्प्लिटिंग होंगे। तो अगर ये पक्का क्लियर जाए, तो मान लीजिए मैं यहां पर सी एच 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 और यहां एच ही ले रहा हूं, और बाहर से मैंने आपको एक रिएजेंट दिया, और ये रिएजेंट्स नॉर्मली एक कैटेगरी में होते हैं। ये कौन कौन से रिएजेंट है आज ही क्लियर कर देते बेटा। इन सारे रिएजेंट्स का नाम को शॉर्टकट में मैंने हेल्पर वर्ड से फिक्स किया है। सर, ये हेल्पर वर्ड कौन है? हेल्पर मतलब एच फॉर हीट बेटा, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एल फॉर लाइट, पी फॉर पेरोक्साइड एंड आर फॉर
रेडिकल, आर फॉर रेडिकल। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है? आर फॉर रेडिकल सारे बच्चे का क्लियर है? क्लियर है पूरा? तो अगर ऐसे कंडीशंस में आए, अगर आपके पास हीट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ई है इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास किया है, जैसे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस था ना बेटा, वहां पर भी आपको फ्री रेडिकल मिलते थे। यहां पर एल है लाइट, यूवी लाइट, नॉर्मली ये लाइट नॉर्मली आपकी यूवी अल्ट्रावायलेट से बनी हुई होती है। पूरा क्लियर? फिर पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये याद में रखना चाहिए बच्चों, दिस मस्ट बी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। और एक अंतिम कंडीशंस रेडिकल। अगर ऐसे कंडीशंस आपको मिल जाए कैसे भी करके, तो ये ध्यान में रखें आपको हमेशा यहां पर इक्वल स्प्लिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये भी अकेला ले जाएगा, ये भी अकेला ले जाएगा। अकेले लेने के बाद इन दोनों का स्ट्रक्चर अभी सब देखने के कैसे होगा देखते हैं बेटा। तो यहां सी एच एच, इधर भी एच, ये भी एच टूट गया है, यहां फ्री रेडिकल बोलेंगे, यहां इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ रहा है तो नाम देंगे हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर है बेटा? ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। पूरा क्लियर है बेटा? पूरा क्लियर है? आराम से लिखो, आराम से चीजों को लिखो, कभी टेंशन मत लो, आराम से लिखना, आराम से लिखना बेटा, ठीक है? चलो लिख लो, नोट बनाना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, ओके। तो होमोलाइटिक एंड हेटरोलाइटिक क्लीवेज आई सपोज एवरीवन इज क्लियर। बाद में भविष्य में जब मैं होमोलाइटिक एंड हेटरोलाइटिक क्लीवेज पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी पूरा क्लियर होना चाहिए कौन सा आपका होमोलाइटिक होगा, कौन सा आपका हेटरोलाइटिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के टॉपिक्स में हम लोग आज पहली ही चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायंस। अभी ये कार्बोकैटायंस तो आज से महाभारत चार्ट करेंगे बेटा, बहुत सारे चीज होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट्स, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, आइसोमेरिजम्स, टॉटोमेरिजम्स, बहुत सारे चीज, ठीक है। इसलिए ये वाला जो महीना है ना, हम लोग पूरा डेडिकेट करेंगे कंप्लीटली टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड द नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू स्टडी एंटायर रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि आपके सेकेंड ईयर में पूरा एप्लीकेबल होता है। कुछ भी चीज जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज, एक एक लेक्चर को पूरा डिटेल से देखें, मैं समय ज्यादा वेस्ट नहीं करता, आपने देखा होगा यहाँ पर, आपको 1.5x में भी देखना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज को मैं पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ लेकिन स्लो से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो। 10 बार पढ़ाऊंगा एक चीजों को, फास्ट से बोलूंगा, खत्म नहीं होगा, आपका भी क्लियरिटी नहीं होगा तो ऐसा तो खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो कार्बोकैटायंस, तो टेक्निकली ना कार्बोकैटायंस मतलब कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी एक कार्बन के एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या डिजिग्नेट करते हैं आज से? कार्बोकैटायन। क्या सारे बच्चे का क्लियर है? आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये कार्बोकैटायन कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सर इसको दिखने में कैसे लगता है? तो लेट्स अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा होता है कि कार्बन इधर आ गया, यहां पर तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक है एक्स ले लेता हूं, एक वाई ले लेता हूं बेटा, और एक जेड ले लेता हूं, और इसमें से एक ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल। अब ये ध्यान से देखें बेटा, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल, दिस इज अ कंप्लीट प्योर पी ऑर्बिटल, कंप्लीट प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है, प्योर पी कंप्लीट ऑर्बिटल, बार बार बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो यहां यहां और यहां तीन बॉन्ड्स हैं, तीन पक्का के पक्का बॉन्ड्स है, लेकिन एक कार्बन के प्योर पी ऑर्बिटल यहां पर है, लेकिन ये प्योर पी ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली एम्प्टी है, खाली है, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी बच्चा, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, नहीं फॉर्म कर रहा है मतलब खाली पड़ा है, इसीलिए इस महान कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर ये कहीं बॉन्ड कर लेता, जैसे एक्स वाई जेड और पी क्यू कुछ ऐसे के साथ अगर बॉन्ड कर लेता, कोई भी दूसरा एटम हो, ग्रुप हो, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा ध्यान से देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों है। जैसे मान लीजिए मैंने कल पढ़ा रहा था बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, कार्बन के यहां पर आपको तीन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अगर कार्बन के आपके यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अगर कार्बन के आपको यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इट हैज गॉट थ्री इलेक्ट्रॉन्स।
थ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फॉर्मल चार्ज, इसकी वैल्यू बहुत आराम से प्लस वन हो जाएगी। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज में बच्चों कि फॉर्मल चार्ज आउट हियर, फॉर्मल चार्ज आउट हियर इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड। उससे ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव आना है, उससे कम आ रहा है तो पॉजिटिव आना है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए जो यहां पर कार्बन फैमिली है, तो कार्बन जो एटम है उसके पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? चार के चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो दिस प्योर पी ऑर्बिटल इज खाली फ्री, तो इस रीजन के कारण जो भी इसके ऊपर आएंगे चार्ज वो है पॉजिटिव चार्ज। इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर? एक और बात बेटा, ये जो वाई है, एक्स है और जेड है, दीज आर इन तीनों के साथ, ये इन तीनों के साथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको हम लोग डिटेल्स में भी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, हालांकि एक चीज में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मैं यहां पर मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, हालांकि बहुत पुराना है, मैं गरीब इंसान हूं आजकल। तो यहां मेरे पास एक प्लेन की सरफेस है, यहां कार्बन के मिड पोजीशन से बेटा यहां पर कार्बन है, ठीक है, मैं इस उंगली को ऐसे रख देता हूं। तो यहां मान लीजिए कार्बन के एकदम मिड पोजीशन से, ठीक है, ये आपका कार्बन का टाइप बन गया। अब यहां से ये x है, ये y पोजीशन है और ये z पोजीशन है, x y z तीन पोजीशन पे है। और ये जो p ऑर्बिटल होंगे ना वो ऐसे होगा बेटा, मैं ऊपर से दिखाता हूं, ऐसे होंगे। इज इट क्लियर? ये आपकी p ऑर्बिटल है, आप विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करो, ये आपकी p ऑर्बिटल है। क्लियर? नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपको p ऑर्बिटल समझ में आया, तो वो जो प्लेन मेरा हाथ का जो सरफेस था या मोबाइल की जो सरफेस थी उससे अगर p ऑर्बिटल ऐसे है और बाकी की तीनों प्लेन पे है, तो ये एंगल कितनी बन गई बेटा? 90 डिग्री। इसीलिए मैंने बताया था दिस प्योर p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इज इट क्लियर? आई होप एवरीवन इज क्लियर। तो प्लीज लिख लीजिए बच्चों आराम से। हो गया खत्म? अच्छा, जिस बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा उसको मैं कार्बन कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। ईसी का मतलब क्या है होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ध्यान से और उत्तम तरीके से पढ़े, बहुत ही ध्यान से और उत्तम तरीके से पढ़े, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कार्बन की नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। हम लोग सबको पता है कि ये दोनों वैलेंस में है, ये वैलेंस शेल पे होते हैं। दिस इज नॉट इन द वैलेंस शेल, ये इनर शेल में है। तो बहुत बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर यहां जो इनर शेल आपने बनाया, ये इनर शेल काम करेगा क्या? नहीं सर, ये काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल में रहने वाले सिस्टम ही आपके एक्टिवेट होते हैं काम करने के लिए। तो चलिए अब यहां पर वैलेंस शेल हमको पता चल गया, लेकिन इसको बॉक्स की तरफ से ड्रॉ करते हैं बेटा। बॉक्स का मतलब क्या है मैं बताता हूं, आपको थोड़ा क्लियरिटी भी आ जाए। जैसे 1s का है, 1s के कारण मैंने यहां पर 1s2 है तो दो इलेक्ट्रॉन डाल दी बेटा, 2s है बेटा यहां पर 2s दो इलेक्ट्रॉन डाल दी, एंड 2p में आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन डाल दी, ठीक है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन। सो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। यह है एक कार्बन की gs, सर gs मतलब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, GS मतलब ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से अगर मैं कोई भी एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब कर दूं, तो ऑब्वियसली उसके माथे पर क्या चार्ज आएगा? प्लस वन, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इसी भैया को तो नाम दे रहे हैं हम लोग कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है बच्चा? क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? पक्का सही है? ओके, तो ये जो कार्बन एटम था इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, ये तो ग्राउंड स्टेट में है, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दी, गायब करते ही इसकी जो स्ट्रक्चर है कार्बन, ये 1s2 2s2 और 2p1 के जैसे आएंगे। आप ऐसे करने से आपकी गलती हो जाती है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। फिर भी मैं इसको डिफेंस देता हूं। तो फिलहाल के हिसाब से आपका सिस्टम कुछ 1s2 है, इधर 2s2 है और इधर 2p1।
इसका तो कोई काम ही नहीं है बिकॉज दिस इज द इनर क्वेश्चन। मैं एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप पूरा क्लियर करो बेटा। जो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में भी फंसते हैं ना, यहाँ पर हम पूरा क्लियर करेंगे। तो यहां से क्या होती है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करूं, व्हाट इज ईएस स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट एक्साइटेड स्टेट। सर एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेट जो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा स्टेट जो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन पे या तुलना पे ज्यादा एनर्जी हो। तो अगर एनर्जी आ जाए ना, तो ये जो अनपेड सॉरी पेड इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने के बाद दिखाई कुछ ऐसे देंगे, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ये हो गया तो इसके बाद इन तीनों में हो जाती है मिक्सिंग, मिक्सिंग। इसी मिक्सिंग शब्द को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वर्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। क्या सारे बच्चे क्लियर हैं यहां तक, पूरा क्लियर है मिक्सिंग। अच्छा अब क्वेश्चन ही है सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक दो ऑर्बिटल्स एस पी डी ये सब एक साथ मिक्स कर दो, बॉन्डिंग नहीं बेटा, मिक्सिंग के लिए बताया। तो ऐसे अगर मिक्स किया जाए तो ध्यान से देखिए, आपको यहां एक एस और दो पी, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तो एक एस और दो पी को हम लोगों ने मिक्स किया, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी टू। इज इट क्लियर बेटा, व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, क्योंकि बेटा कुछ और नहीं, यहां एक s और दो p के ऑर्बिटल्स मिक्स किए गए हैं आफ्टर एक्साइटेशन। पहले एक्साइट करो फिर हाइब्रिडाइज करो, हाइब्रिडाइजेशन एक्साइट करने के बाद ही होता है। उससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल ली, ध्यान में बेटा ये आपके कार्बन की पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये ध्यान में रखें। पहले मैंने एक, देखो यहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तो कार्बन कटायन नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तो प्रैक्टिकली अभी कार्बन कटायन के लिए हम लोग ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर लिए। तो कार्बन कटायन के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, फिर उसको एक्साइट किया, फिर मिक्स किया, ये सिस्टम बनती है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल चुका है बेटा, sp2। इज इट क्लियर। और अगर थोड़ा गौर दें तो यहां एक पी ऑर्बिटल प्योर है। सर व्हाइट इज प्योर, ये प्योर पी ऑर्बिटल कैसे बना सर, क्या ये मिक्सिंग हो रहा है, इज इट पार्टिसिपेटिंग इन द मिक्सिंग, नो सर। So pure p because it does not undergo mixing। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है, इट डज नॉट अंडरगो मिक्सिंग, पूरा क्लियर है बेटा। चल अब ध्यान से सुनो, अगर ये मिक्सिंग अंडरगो नहीं करता, अगर ये मिक्सिंग अंडरगो नहीं करता तब क्या करे, If it does not undergo mixing, ये pure p orbital है, तो यही वो orbital है which is perpendicular to the plane। तो अगर पूछा जाए कौन सा orbital, यही वो orbital है। अब थोड़ी देर पहले बता रहा था ना बेटा कि कार्बन ऐसे 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 और ये p orbital, ये p जो खाली था, this pure p orbital is completely empty। ये empty pure p orbital है which does not undergo mixing and this is the orbital which is perpendicular to the plane। Is it clear बेटा, क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ, I hope everyone has got clear, तो प्लीज लिख लीजिए बच्चों। अभी इसके ऊपर थोड़ा एक दो हम लोग लाइन डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए। वीडियो को स्किप करके या मतलब स्किप नहीं, पॉज करके आप लिख सकते, ठीक है, पूरा क्लियर है बेटा। तो ये है आपकी कार्बन कटायन। अब हम लोग कार्बन कटायन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने जा रहे हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कटायन। पहले हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि होता क्या है भाई साहब, कार्बन कटायन होता क्या है, इतना मुश्किल करता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग को फाड़ के रख देता है, बच्चों का जेडब्ल्यू नीट रुक जाती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ कार्बन का टाइम है। अब पहला पॉइंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए बेटा। द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज दैट द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है ऑफ कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या क्लियर है पूरा? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितने हाइब्रिडाइजेशन थे बेटा। आप अगर भूल जाते हो तो साइड में आप ऐसे ड्रॉ कर लो, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। बार बार हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो यही आपकी है एक कार्बोकैटायन, ये सुनो, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो आप ध्यान से देखो, द सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर कोई पूछे sp2 का स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका मतलब क्या है? प्लेनर का अर्थ यह हुआ कि जो प्लेन थे उसमें तीन एटम्स लगे थे, कार्बोकैटायन के साथ तीन एटम्स लगे थे, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लो बेटा। एक ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 सिग्मा। सो प्लीज क्लियर, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज बेटा? यहां पर फॉर्मल चार्ज कितने आ जाएंगे? +1 आ जाएंगे ना, आराम से, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट, अब बताइए कोई लोन पेयर वगैरह है, कोई फ्री के इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। सो देयर इज 0 लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर्स। पॉइंट टू पॉइंट पूरा क्लियर रखे बेटा, बहुत सारा चीज आ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इज इट क्लियर? तो शून्य, कोई एक भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा तो इज इट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये जानते हैं? नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है देन वी से इट इज डायमैग्नेटिक। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है, पूरा क्लियर है? लिखते जाओ, लिखते जाओ आराम से। अच्छा, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे टोटल में? ध्यान से, खुद का कितना इलेक्ट्रॉन? 6। खुद का कितना इलेक्ट्रॉन बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये खुद का है, ये खुद का है, ये खुद का है, ये खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, फॉर्मल चार्ज इज 1। लेकिन 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 कुछ दूसरा पता चला, ये ले लेता, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। क्या एवरीबॉडी क्लियर? पूरा का पूरा क्लियर है बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर, पूरा का पूरा हम लोग डिटेल्स पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन मतलब व्हाट? इट इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन ऑक्टेट, इट इज लेस देन ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से तो ये भाई साहब तो कम ही है, 8 इलेक्ट्रॉन से तो भाई साहब कम ही है, तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमियां होती है बेटा, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, क्लियर। अगला पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो समझ में आया, अब इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अभी बताओ यार, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको लेने? अगर लेना है तो उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूइस एसिड्स, ल्यूइस एसिड, ये और नाम दिया जाता है। कौन होते हैं ल्यूइस एसिड्स? जो भी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं बाहर से उसको क्या बोलने वाले हैं बेटा? ल्यूइस एसिड्स, एंड दे आर कॉल्ड आल्सो एस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। सर, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। फाइल जो phi वुड है वो कुछ और नहीं है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, लव करता है। तो फोबिक मतलब डरना, फिलिक मतलब प्यार होना, ठीक है। तो एक बार सारे की चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, 3 सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज आपकी +1, 0 लोन पेयर्स, 0 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड के कारण डायमैग्नेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल में, खुद के तो अपने तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है।
ले लो, आराम से ले लो, क्लियर। हो गया, चलो चीजों को पढ़ना सीखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत फेमस वाला। देखो टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन के मतलब कनेक्टेड वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट है। एक है आपकी कार्बोकैटायन, एक है आपकी कार्बोनाइन, एक है आपकी फ्री रेडिकल, एक है आपकी कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन। तो टेक्निकली दिस इज अ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन मींस कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी पॉइंट फॉर्मल चार्ज इज -1, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कार्बो एनायन। फॉर्मल चार्ज इज -1। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारी है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो कार्बन आ गया बेटा, ये आपकी कार्बन आ गई, ये आपकी एक्स, ये वाई, ये जेड, ये आपकी ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो आप ऐसे डिजिग्नेट करो, नहीं तो एक लोन पेयर की तरफ से भी आप डिजिग्नेट कर सकते। ठीक है, तो इज दिस प्योर पी ऑर्बिटल? यस सर, इट इज अ प्योर पी ऑर्बिटल। ध्यान में रखे बच्चा, ये प्योर पी ऑर्बिटल है, बट इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज नॉट एम्प्टी वाला प्योर पी ऑर्बिटल। लेकिन बाद में लेटर इट मे बी मिक्स्ड। अच्छा सर, मे बी मिक्स क्यों? क्या बताता हूँ बेटा, देखो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पकड़ते हो ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बहुत टीचर्स लोग ये पढ़ाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, नेगेटिव चार्ज को काउंट करो, तुरंत उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। जैसे इसमें अगर आप कैलकुलेट करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की पैर है, यहाँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब आंसर हो जाएगा sp3। यही पढ़ाते बेटा, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हालांकि मैंने ये बताया है कि इट मे बी मिक्स्ड। क्यों? कभी कभी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी आ सकता है, और अगर रेजोनेंस में आ जाए तो वो कार्बोनाइन जो होगा वो sp2 हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक है, अच्छा हालांकि एवरीवन इज क्लियर, आई सपोज फर्स्ट पॉइंट पूरा क्लियर है, तो ड्रॉ कर लीजिए, आराम से ड्रॉ कर लीजिए। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू भी करेंगे, उससे पहले हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ओके, नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बो एनायन इज नॉर्मली sp3 बट मे बी sp2 व्हेन इट इज इन रेजोनेंस। ठीक है, ये sp2 भी हो सकता है इफ इट इज इन रेजोनेंस, नहीं तो हमेशा क्या होगा बेटा, sp3 ही होगा, ये पक्का रखें, हमेशा वो sp3 ही होगा। लेकिन अगर रेजोनेंस में आ जाए तब तो वो डेफिनेटली बेटा sp2 ही होगी, उसका दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसका। ठीक है, sp भी हो सकती है कार्बोनाइन, तो भविष्य में ये sp भी हो सकता है, ओनली इन केस ऑफ acetylenic। मैं आज ही बता देता हूं, ये भविष्य में बताएंगे, आज नहीं, मैं नाम लिख देता हूं क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। देखो कार्बोकैटायन का कहीं पर भी करो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी। ठीक है, लेकिन आप यहां पर तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों तीनों का पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, वो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ले सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। लेकिन अगर कार्बोकैटायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक खाली ही हो चुका है, तो आप हाइब्रिडाइज नहीं करवा सकते उसको, उसको sp3 नहीं बना सकते हो, उसको sp घटा सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ दिस इज द कॉमन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर पकड़ा जाए तो बच्चों, व्हाट इज द कॉमन मोस्ट हाइब्रिडाइजेशन? कॉमन मोस्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, रेजोनेंस पे कभी कभार sp2, और स्पेशल केस sp भी होता है एसिटाइलिनिक कार्बो एनायन पे। ठीक है, इट इज अ कार्बो एनायन, कभी ना भूलो बेटा। ठीक है, तो कार्बन की फिर से देखते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होती है, 1s2, 2s2 और 2p2। ये वाला को भूल जाओ आराम से, यहाँ पर 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। अब मान लीजिए इसको 2 बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, या मतलब मान लीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही उसके पास आ गए, तो होगा क्या? ये जो सिस्टम है ये जंप मारेगा,
आराम से ये बना ले। अच्छा ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल स्टेट या ग्राउंड स्टेट, ठीक है, लेकिन ये कौन सी है होगी बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी है या ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एनर्जी है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी होती है। जब ज्यादा एनर्जी होंगे तो ये चारों के चारों मिक्स हो जाएंगे, एक एस तीन पी, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक एस तीन पी इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इज इट क्लियर। लेकिन ये तो जनरल केस में हुआ, कार्बो एनायंस में कैसे होंगे ये भी तो आपको जानना है, ये भी तो आपको जानना है कैसे करेंगे। तो ये ध्यान में रखें बेटा, कुछ भी करो यहाँ पर आप एक चीज को टेंशन ना लो। यहाँ मैं अगर मान लीजिए ये नॉर्मल sp3 की कंडीशन, पहले ये लिख लो, ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर इसको ना लिख के, मान लीजिए मैंने कार्बन ले ली, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उसकी प्रोटॉन तो 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, तो 1s2 होंगे, 2s2 हो जाएंगे बेटा, और 2p3, ठीक है, ये तो होना ही है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये तीन, ये किसके लिए होंगे, कार्बोनाइन। ध्यान से बच्चा, ध्यान से, ये क्या है बेटा, कार्बो एनायंस। तो कुछ चीजें एकदम क्लियर रखो, तो ये तीन आ चुके हैं, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है, फिर थोड़े देर बाद मिक्स करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में हम लोग मिक्स कर लेंगे, मिक्स होने के बाद ये दिखने में कैसा लगेगा, यही लगेगा, एक एस। अच्छा मिक्स करने के बाद ना अकेला अकेला उसका इंडिविजुअलिटी खराब हो जाती है, तो अभी जैसे आप जैसे एक रेड कलर का बॉटल लो, व्हाइट कलर का एक पेंट का बॉटल लो, एक रेड कलर पेंट की बॉटल ले लो, एक व्हाइट कलर की पेंट की बॉटल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, क्या होने वाला है, पिंक मिलेगा ना, ना तो पिंक लेकिन रेड है, ना तो पिंक व्हाइट है, जैसे पहले ये एस पी पी ये सब ऑर्बिटल्स थे, अब क्या होने के बाद, मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा, ये सारे सारे मिक्स होके sp3 कहलाएंगे। इस sp3 के कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4, चारों के चारों आपके sp3 होंगे। अगर चारों के चारों sp3 हो जाए तो एकदम पक्का याद रखना बेटा, पक्का याद रखना, अगर चारों के चारों sp3 हो जाए तो यहां पर याद रखें, इन वन sp3 एक sp3 में लोन पेयर रहेगा और बाकी तीनों में जो sp3 होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये क्या है, लोन पेयर है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये कुछ और नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें, ये ही एक सिग्मा बॉन्ड, ये ही एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है बेटा, लोन पेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रियल मैकेनिक्स ऑफ केमिस्ट्री इन कार्बन्स, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। ओ सर अब समझ में आ रहा है कि तीन सिग्मा और लोन पेयर मिला के हम लोग sp3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग sp3 बोलते हैं तो एक चीज याद रखना है कि वहां पर जो लोन पेयर है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। बहुत बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस कि जैसा कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस हाइब्रिडाइजेशन पे है, वो कौन से ऑर्बिटल पे है, क्या वो प्योर पी रहा, नहीं, पहले तो प्योर पी पे था, लेटर इट मे बी मिक्स्ड, और मिक्स होने के बाद कौन से में पहुंच जाते हैं sp3, इज इट क्लियर, चलिए पूरा क्लियर हुआ होगा, अच्छा ये वाला भी क्लियर होगा, चलो आई होप एवरीवन इज रिटेन इट डाउन, तो दिस इज हाउ यू गेट द कार्बन आयंस की हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं राइटिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम थोड़ा अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है, तो कार्बन आयन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसमें से पहला क्या होगा, सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन, ये कौन सी हाइब्रिडाइज होंगे, sp3, बट इट कैन बी sp2 ऑल्सो, समय के अनुसार sp भी, ये सारे बच्चा का क्लियर है, आई होप क्लियर है। दो नंबर, अगर ये sp3 है जो नॉर्मली होता है, दिस इज द नॉर्मल केस, हम तो अभी नॉर्मल केस ही पढ़ रहे हैं पहली बार के लिए, तो नॉर्मल केस में अगर sp3 हो जाती है ना बेटा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज पिरामिडल का मतलब पिरामिड के जैसे दिखने लग जाता है, इन अदर वर्ड स्ट्रक्चर से भी अच्छा अगर सही वर्ड बोला जाए तो वो शेप होती है बेटा, मच्छर तो जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे मेरे को, आप टेंशन ही ना लो बेटा,
आप हो या ना हो, मेंटली तो हम लोग के साथ कनेक्टेड ही हो, लेकिन मच्छर मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्टेड होता है। चलिए तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना होगा? -1। ऐसा क्यों हुआ थोड़ा देखते हैं। ऐसे काम करते हैं, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा था। जैसे यहाँ पर था, ये एक थी, यहाँ एक्स थी बेटा, ये वाई थी और ये जेड थी। थोड़ा काउंट कर लेते बेटा, यहाँ पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये दो। सो टोटल नाउ द कार्बन पर्सनली हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन के पास पर्सनली कितना होना चाहिए? सिर्फ 4। अभी 5 है तो एक ज्यादा है, तो इसीलिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू -1 है। पूरा क्लियर हो रहा है बेटा? अब समझ में आ रहा है ना फॉर्मल चार्ज और लोन पास क्यों पढ़ रहे थे? ये इसी रीजन के लिए। ठीक, ओके। चौथा पॉइंट ये है बेटा कि हमारी लोन पास 1 लोन पेयर बट 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक भी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कोई अनपेड है क्या? अनपेड का मतलब जैसे एक बॉन्ड में एक क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। कोई यहां पर अनपेड है क्या? नहीं है। यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई अनपेड है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हो गया? ये कंप्लीटली डायमैग्नेटिक। क्या सारे बच्चे का क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सॉरी, क्लियर। छठा पॉइंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस। कभी कभार कुछ भी हैंडराइटिंग से कुछ भी लिख देता, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट या भारी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी चीजों को हम लोग क्या नाम देंगे? ल्यूइस बेस। या दूसरा नाम क्या होगा इसका? न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल ऐसी चीजें होती है बेटा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस को लव करने वाला। अब देखो, न्यूक्लियस में मैं न्यूट्रॉन को प्यार नहीं कर सकता क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन को तो प्यार कर सकता हूं क्योंकि प्रोटॉन का क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरा जो यहां पर कंप्लीटली फिक्स्ड है। यहां पर मेरा एक न्यूक्लियस है, इसके भीतर क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। तो यहां नेगेटिव चार्ज जो है वो किसको प्यार करेगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो डेफिनेटली दे आर न्यूक्लियस लवर्स। एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? लिख लो बेटा, आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। ठीक है। एक और पॉइंट भी लिख सकते हो बेटा, मैं नोवा पॉइंट यहां पर लिख दूंगा। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? अगर लिख लो तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ये तो चेंज होंगे ही नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। यहां पर हमेशा 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही प्रेजेंट रहते हैं। कोई वैकेंट ऑर्बिटल बेटा, 10 नंबर भी एक पॉइंट लिख लो, 0 वैकेंट ऑर्बिटल। हालांकि कार्बोकैटायन में था तो यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स डाल दिया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का अंतिम रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कुछ और नहीं है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। पहला बात, फ्री रेडिकल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये फ्री रेडिकल वर्ड क्यों है, मैं बताता हूं। सुनो, ये फ्री रेडिकल वर्ड मतलब क्या होता है? दिस इज फ्री, कुछ ना कुछ तो इसका फ्री है। अब सर इसका क्या चीज फ्री होगा, आप बताओ। इट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। इट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। इट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। ठीक है, इसीलिए इसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। देखते हैं बेटा, यहां कार्बन हो गई, एक्स है, वाई है, जेड है, यही वो ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें इस बार एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है इस बार, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज या सिस्टम्स देखना चाहूं तो इज इट अ प्योर पी ऑर्बिटल? इट्स अ प्योर पी ऑर्बिटल। इट्स अ प्योर पी ऑर्बिटल व्हिच इज नॉट एम्प्टी। ये एम्प्टी नहीं है बेटा। क्यों एम्प्टी नहीं है? एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो है, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये एम्प्टी नहीं है बेटा। ठीक है, अब
ये तो हो गए जनरली। अब मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं यहाँ पर? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर नाउ, क्लियर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कार्बन को देखो तो क्या कोई यहाँ पर चार्ज है? नहीं, मतलब जो कार्बन का सिस्टम था छः, उसको हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन लेते हैं 1s2, 2s2 बेटा एंड 2b2, ठीक है सर। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1s2 के लिए एक बॉक्स जो कि काम का नहीं है, फिर 2s2 के लिए, और यहां पर मैं ले लेता हूं 2p2, ठीक। अब ये इसको एक्साइट कर दिया, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलने वाला है बेटा, ये मिलने वाला है ना। इसमें से एक चीज ध्यान में रखें कि इसमें ये तीनों ही खाली मिक्स होंगे, लास्ट वाला अकेला पड़ जाएगा, अकेला है। मतलब इज दिस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट इज नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसलिए बातों को पूरा वीडियो को बहुत स्लोली सुने, देखें, समझे, क्लियर ना हो तो कमेंट करें, मैं हूं खड़ा, ठीक है। इट इज नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट इज नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी रीजन के कारण इट इज नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें कितना मिक्सिंग हुआ, एक एस और दो पी, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो अगर कोई पूछे सर फ्री रेडिकल नॉर्मली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। हालांकि भविष्य में पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, लेकिन यहां पर कार्बन के फ्री रेडिकल्स के बारे में बता रहे तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर इसकी ज्यादा चलेगी, sp2 की दमदार ज्यादा चलेगी, sp3 की दमदार बहुत ही कम चलेंगे, ठीक है। तो लिख लो बेटा, आगे बढ़ते इसके साथ, हो गई। चलो अभी इसके ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको फ्री रेडिकल, ठीक है। तो नंबर वन, जैसे हम लोग यहां कार्बन फिर से ड्रॉ करेंगे, देखो ड्रॉ करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, ड्रॉ करते करते ही प्रैक्टिस होते हैं। तो पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, नंबर वन फर्स्ट पॉइंट क्या है, सो व्हाट इज द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल कार्बन एटम, द सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर टू sp2 तो समझ में आया ना, अभी थोड़ी देर पहले हाइब्रिडाइजेशन को बताया था ना, तो वही है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी फॉर्मल चार्ज, इसकी फॉर्मल चार्ज जीरो है, ऐसा जीरो क्यों हुआ देखते हैं। अकेला एक, अकेला एक, अकेला एक, इसका भी एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के कितने रहना चाहिए, 4, तो अल्टीमेटली इसकी Fc जीरो हो गई। इज देयर एनी लोन पेयर, इज देयर एनी लोन पेयर, नो देयर आर जीरो लोन पेयर्स, बट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पेयर्ड नहीं है, ऐसे खुला पड़ा है। सर क्या ये क्लॉकवाइज ही होना चाहिए? ऐसा नहीं है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तीसरा, पांचवा, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड्स तो है ही आपके पास, इज इट क्लियर, तीन सिग्मा बॉन्ड्स तो होना अनिवार्य है। अच्छा नेक्स्ट बताते हैं मुझे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे 7 सर टोटल बताते हैं, 1 2 3, ये तीनों नीले किसके हैं, ये तीनों नीले किसके हैं, कार्बन के है? नहीं, दूसरे एटम्स या ग्रुप्स के, एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों को ऐड करो, इधर 4 था, 7 इलेक्ट्रॉन, इज दिस क्लियर, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इट इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, या ऑक्टेट से ये कम है, ऑक्टेट से कम है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट, सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमियां है, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट को तोड़ मरो के सोचो, ठीक है, हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल्स, जीरो वेकेंट ऑर्बिटल्स, कोई खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल है क्या, नहीं सर कोई भी खाली नहीं है, इसमें बॉन्डिंग तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन तो है, खाली पड़ा नहीं है कोई, इसे क्लियर, पूरा क्लियर, किसी का डाउट तो हमेशा क्लियर करते जाना पड़ा।
ठीक है। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल से पढ़िए। अगला लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, प्योर जो सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव रेजोनेंस, ये सब चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत डिटेल्स होगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, हम लोग 2-3 लेक्चर्स करेंगे, फिर रेजोनेंस के ऊपर भी हम लोग 3-4 लेक्चर्स करेंगे। तो लगभग 10-12 लेक्चर्स होने के बाद ही आपका जीओसी और खत्म होगा, ठीक है। तो समय ना वेस्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप प्लीज़ मेरा भी सहायता करो, आप वो कर रहे हो, हर किसी दूसरे को बोल रहे हो। थैंक यू फॉर यू ऑल एंड आई होप एवरीवन गेट्स टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कीप रॉकिंग, बॉम्ब इट डाउन।